नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष काउंसलर्स। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा है और जाना है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उत्पाद नियोजन यानी प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होता है। यह हमारा 10वां वीडियो है, यानी हमारा मार्केटिंग का 10वां टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने 9 टॉपिक को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। वे सारे के सारे वीडियोस आप सभी को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और वहां पर आपको दिखाई देगा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग प्लेलिस्ट, उसी में आपको सारे के सारे वीडियो मिलेंगे। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे बेसिकली कि जो भी उत्पाद नियोजन है उसका अर्थ यानी मीनिंग क्या होता है। दूसरा समझेंगे इसकी परिभाषा क्या कहती है, जो भी तमाम तरह के विद्वानों के द्वारा दी गई है। फिर हम लोग समझेंगे आगे कि उत्पाद नियोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। यानी अगर कभी भी प्रोडक्ट प्लानिंग की बात कर होती है, कोई भी जो भी पर्सन रेस्पेक्टिव पर्सन है प्रोडक्ट प्लानिंग की बात करता है, प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में सोचता है, कंपनी सोचती है, तो कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। फिर हम लोग चौथे पे समझेंगे कि उत्पाद नियोजन का महत्व क्या होता है भाई साहब, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, यानी कि जो भी प्रोडक्ट प्लानिंग है उसका क्या इफेक्ट है, यानी कितनी महत्ता उसकी है किसी भी कंपनी के लिए। और लास्ट में पांचवा समझेंगे कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है किसी भी कंपनी में जब वह प्रोडक्ट प्लानिंग को अपनाती है। तो इन सभी की सभी बातों को हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में और जानेंगे विस्तार से। यदि आपके पास कोई प्रश्न होता है मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें, जरूर बताएं, आपके सही प्रश्नों का उत्तर हम लोग जरूर देंगे। आप सभी को जो भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट्स www.aashishcommerceclasses.com पर मिल सकता है, और जो भी नोट्स है आप सभी को वो ही नोट्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां से भी जा करके रेस्पेक्टिव नोट्स आप बना सकते हैं रेस्पेक्टिव वीडियो के नीचे जा करके। आगे हम शुरू करते हैं, पहले समझते हैं कि अर्थ क्या कहता है उत्पाद नियोजन का। उत्पाद नियोजन, हम लोगों ने इसके पहले जो उत्पाद यानी प्रोडक्ट का वीडियो देखा हुआ है उसमें समझा हुआ है कि कोई भी भौतिक लक्षणों वाली चीज़ हो सकती है जो किसी भी कस्टमर को संतुष्ट करती है, वो हो सकता है उत्पाद, उसे कह सकते हैं। अब उस उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का नियोजन प्लानिंग कैसे की जाती है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसी को हम लोग समझेंगे विस्तार से। यहाँ पर नॉर्मल टर्म्स में आप लोग ये समझ सकते हैं। पहला कहा गया है अर्थ यानी मीनिंग। मीनिंग की बात की जाती है तो कहा जाता है कि उत्पाद नियोजन से आशय फॉर्म के द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तु या उत्पाद के बारे में विस्तृत योजना बनाने से है। एकदम सिंपल है कि उत्पाद नियोजन का मतलब ये होता है ना कि कोई भी कंपनी है, ऐसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा का, तो टाटा मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है ना। तो टाटा कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट को बनाने से संबंधित, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को यानी उस वस्तु को बनाने से संबंधित उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी वह योजना बनाएगी कि प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट की साइज क्या होगी, प्रोडक्ट का जो भी रंग होगा वह कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, क्वालिटी कैसी रहेगी, क्वांटिटी कैसी रहेगी, किस मार्केट में बेचा जाएगा, तमाम तरह की बातें जब निर्धारित की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो कहा जा सकता है कि उसे कहा जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी उत्पाद नियोजन कहा जा सकता है उसे। यहाँ पे जब कभी भी मैं आपको बताऊँ वस्तु या उत्पाद, तो यहाँ पे आप लोग गुड्स एंड सर्विस
यानी वस्तु और सेवा दोनों को लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सर कह रहे हैं वस्तु तो केवल वस्तु, सेवा को छोड़ देंगे। सेवा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में सेवाओं का भी बहुत महत्व है, क्योंकि अधिकतर इकोनॉमी जो भी सर्विस सेक्टर है उसी के द्वारा बूस्टअप होती है। तो आप सभी लोग सेवा यानी सर्विस को भी दिमाग में रख के चलेंगे। आगे बात करते हैं तो कहा गया है कि जब कोई कंपनी उत्पाद नियोजन करती है तो निम्न बातों का ध्यान रखती है, ठीक है। अगर कोई भी कंपनी है ना, जब अपने वहाँ पे उत्पाद नियोजन की बात करेगी, उत्पाद नियोजन को लागू करेगी, तो कुछ बातों का ध्यान रखेगी ना, उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है उत्पाद कब किया जाए, ठीक है ना, प्रोडक्शन कब किया जाए, अभी किया जाए, 2 महीने बाद किया जाए, 3 महीने बाद किया जाए, अगले साल किया जाए कि 2 साल बाद किया जाए, या फिर कल से चालू की जाए। तो इन बातों को भी कंपनी सोचती है, विचार करती है कि कंपनी को कब चाहिए प्रोडक्ट, कब कंपनी को प्रोडक्ट बना करके बेचना है। जैसे मान लीजिए कि अब सर्दी का मौसम आने वाला है, ठीक है ना, तो सर्दी का मौसम अगर आने वाला है तो कंपनी के द्वारा देखा जाएगा, अगर वह गारमेंट्स की बिजनेस करती है तो वह देखेगी कंपनी कि लोगों को सर्दी के कपड़े चाहिए ना, तो कंपनी अभी से पूरा का पूरा प्लानिंग करेगी, प्रोडक्ट प्लानिंग करेगी कि लोगों को अब जैकेट वगैरह चाहिए, ऊनी कपड़े चाहिए, तो कंपनी अब ऊनी कपड़े बनाएगी। जब गर्मी का दिन आएगा तो कंपनी क्या करेगी, सूती के मुलायम कपड़े बनाएगी, जो कंपनी के द्वारा जो भी लोग खरीदें वह कंफर्टेबल हो सभी के लिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, प्लानिंग कर रही है कि उत्पाद कब बनाया जाए, ठीक है। अगला है बी, उत्पाद कितनी मात्रा में की जाए। अगर कंपनी ने सोचा कि उत्पाद करना है उसे 2 महीने बाद, कब का डिसाइड हो गया, यानी कब डिसाइड हो गया कि कब करना है, अब कंपनी सोचेगी ना कि उसे कितनी मात्रा में बनानी चाहिए। टाटा की बात करता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो सोचेगी मुझे 1 लाख बनाना चाहिए कि मुझे 10 लाख बनाना चाहिए या फिर मुझे 1 करोड़ बनाना चाहिए। तो इन तमाम तरह की बातों पर सोचेगी ना कि उसे कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनानी चाहिए, तो यह बात भी ध्यान में रखेगी वह। आगे बात की जाती है कि उत्पाद का आकार क्या होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसका आकार क्या होगा, इसको भी देखा जाता है यहाँ पर। आगे चौथा है कि उत्पाद का भार यानी वेट क्या होगा, कितना वेट का होगा कोई भी प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि अब पहले जो भी जैकेट आते थे बहुत मोटे मोटे होते थे, बहुत भारी होता था, जब उसे पहना जाता था तो आदमी लगता था पत्थर लेके चल रहा है। लेकिन अब ऐसे ऐसे जैकेट आ चुके हैं इनोवेशन के द्वारा कि आप लोग उसे हल्का होता है पहनने के बाद से, आप लोग अपने सारे के सारे काम कंफर्टेबल हो करके कर सकते हैं और आपको ठंडी भी नहीं लगती है। तो ये क्या है, देखा गया है कंपनी के द्वारा कि कंपनी कितना वेट रखेगी अपने प्रोडक्ट का। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप लोग देखेंगे समझेंगे। अगला है हमारा कि उत्पाद का ब्रांड क्या होगा, भाई ब्रांडिंग क्या होगी उत्पाद की, और अंतिम है ब्रांड की पैकिंग कैसे होगी, पैकेजिंग कैसे होगी, इसको भी ध्यान में रखा जाता है अगर कोई भी उत्पाद का नियोजन किया जाता है तो। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीनिंग को समझ लिया और जान लिया कि भाई साहब उत्पाद नियोजन क्या कहता है, उत्पाद नियोजन का मतलब क्या होता है। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन हमारा है, इसमें 2 लोगों के द्वारा जो भी डेफिनेशन दिया गया है उसको हम लोग समझते हैं। पहला है विलियम जे स्टेंटन के अनुसार, ये कहते हैं कि उत्पाद नियोजन एक फर्म के संपूर्ण नियोजन का प्रारंभ बिंदु है, ठीक है ना। कंपनी क्या करती है, कोई भी काम करती है तो प्लानिंग करती है। अब कंपनी प्लानिंग करेगी तो उस प्लानिंग में उत्पाद नियोजन भी एक प्लानिंग होगी, ठीक है ना। तो उत्पाद नियोजन जो है वह कंपनी की प्लानिंग का पहला पार्ट होता है, इनिशियल स्टेज होता है, प्रारंभ बिंदु होता है। जैसे कंपनी ने डिसाइड किया कि जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी प्लानिंग की जाए, तो ऐसे बहुत सारे प्लानिंग होंगे, किस मार्केट में भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, यह क्या होता, अलग अलग प्लानिंग का पार्ट होता है। मार्केटिंग प्लानिंग होती है, जो भी एम्प्लॉई को देखने की प्लानिंग होती है,
तो इन तमाम तरह की प्लानिंग में जो भी हमारे पास क्या है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट प्लानिंग है, वह क्या होता है? प्रारंभ बिंदु होता है। ये कहते हैं विलियम जे स्टेंटन जी। आगे कहा गया है दूसरा डेफिनेशन मैसन एवं रथ के अनुसार, ये कहते हैं कि एक उत्पाद के जीवन में उसके जन्म यानी उत्पत्ति से लेकर उसका कंपनी की उत्पाद पंक्ति यानी प्रोडक्ट लाइन से परित्याग तक का नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण की सभी स्थितियां उत्पाद नियोजन कहलाती हैं। ठीक, जैसे कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है ना, तो वो तमाम तरह के प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है ना। तो कंपनी का प्रोडक्ट कितना बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, साइज क्या होगा, रंग क्या होगा, आकार क्या होगा, तमाम तरह की बातें डिसाइड की जाती हैं और कंपनी का प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट बनने के बाद से उसमें किया जाता है, उसका नियोजन तो हो गया, अब निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, कितना बेचना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है। जब कंपनी इस तरीके से कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को बेच देती है, वहाँ तक की सारी स्थिति को जो भी मैसन और रथ हैं कहते हैं कि भाई साहब यही क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग है। आगे देखते हैं तो हमें यह डेफिनेशन समझ में आ चुका होगा, जो भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में बताया गया, समझाया गया है। हम बात करते हैं तीसरे की यानी उत्पाद नियोजन के तत्व की। यह बहुत ही आसान है, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जब कभी भी प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है उसमें कौन कौन सी बातें आ सकती हैं, यानी किन किन बातों को जोड़ करके, किन किन बातों को समाहित करके, सम्मिलित करके प्रोडक्ट प्लानिंग हो पाती है, उन्हीं को कहा गया है उत्पाद नियोजन के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। यहाँ पर हमारे पास लगभग 10 बातें लिखी गई हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उत्पाद निर्णय यानी प्रोडक्ट प्लानिंग, भाई साहब कि उत्पाद कैसा होगा, उत्पाद क्या होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें बनाना है, अगर टाटा कंपनी है तो टाटा नमक बना रही है, ठीक है ना, तो बनाना है इसे नमक और इसने बना दिया कोई और प्रोडक्ट, मान लीजिए टाटा का सोप बना दिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कंपनी जो सोचेगी जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा उसी कैटेगरी का प्रोडक्ट बनाएगी। अगला यानी दूसरा है उत्पाद का नाम यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या होगा, इजी बात है। उत्पाद का रंग यानी प्रोडक्ट कलर, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर क्या होगा, हरा नीला पीला जो भी तमाम तरह के कलर होते हैं। उत्पाद की डिजाइन व आकार यानी प्रोडक्ट डिजाइन एंड साइज क्या होगा उस प्रोडक्ट का। अगला है उत्पाद का मूल्य प्रोडक्ट प्राइस, जब कभी भी कंपनी में उत्पाद नियोजन की बात की जाती है ना, तो उसमें प्रोडक्ट का प्राइस भी तो होता है, यानी कंपनी ने कितना कॉस्ट किया, उस कॉस्ट के बेस पर कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है ना। और जो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है, तो कॉस्ट को भी लेती है और जो भी सामने वाले कस्टमर का परचेजिंग पावर है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, इन सारी की सारी बातों को भी ध्यान में रखती है, तब कंपनी क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निर्धारित करती है। तो प्रोडक्ट प्राइस यानी उत्पाद का मूल्य भी आता है प्रोडक्ट प्लानिंग में। अगला है उत्पादों की ब्रांड पैकेजिंग तथा लेबलिंग कैसे की जाती है, प्रोडक्ट ब्रांड पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ठीक है। उसके आगे आता है उत्पाद की किस्म यानी क्वालिटी या प्रोडक्ट, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाएगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, बढ़िया क्वालिटी होगी, हायर क्वालिटी होगी, मीडियम लेवल की होगी या फिर लो लेवल की क्वालिटी होगी, यह कंपनी डिसाइड करती है। यह जो भी क्वालिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वह कंपनी क्या करती है, हमने देखा होगा कि प्राइस के बेस पे होती है, अच्छा प्राइस कंपनी ले, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट देने का प्रयास करती है। अगला है उत्पाद शैली यानी प्रोडक्ट का स्टाइल क्या होगा, भाई साहब यहाँ पर जब कभी भी आप लोग बात करेंगे प्रोडक्ट की स्टाइल की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि तरह तरह के शेप के प्रोडक्ट आते हैं, आप लोग उसको समझ सकते हैं। अगला है नए प्रयोगों की खोज यानी इन्वेस्टिंग ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस,
तो यहाँ पर नए प्रयोगों की खोज की बात की जा रही है। उत्पाद नवाचार यानी प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में कैसा कैसा किस तरह का इनोवेशन किया जा सकता है कि लोग उसे परचेज करें और कंपनी की सेलिंग बढ़ जाए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का इनोवेशन किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा जो कंपनी के पास होती है। ठीक है ना, सैमसंग का एग्जांपल ले सकते हैं आप सभी लोग कि कंपनी जो भी सैमसंग है वह क्या करी, उसने फोल्डिंग का फ़ोन लॉन्च किया, तो यहाँ पे हो सकता है प्रोडक्ट इनोवेशन का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है ना, एप्पल वगैरह भी क्या करती है, कंपनियाँ प्रोडक्ट का इनोवेशन करके जब लेके आती है तो प्रोडक्ट क्या करती है, प्रोडक्ट अच्छे दाम में बिकता है। ठीक है ना, वो क्या होता है, सारा का सारा प्रोडक्ट इनोवेशन में आता है और प्रोडक्ट इनोवेशन हमारे प्रोडक्ट प्लानिंग का ही एक पार्ट है, एलिमेंट है, टुकड़ा है हम लोग कह सकते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया एलिमेंट क्या होता है, आप सभी को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं चौथे पर, उत्पाद नियोजन का महत्व। जब कभी भी उत्पाद का नियोजन यानी प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है तो उसका महत्व क्या हो सकता है कंपनी के लिए, उसको समझिए थोड़ा। पहला है विपणन कार्यक्रम का आधार यानी बेसिस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। जो कभी भी कंपनी मार्केटिंग प्रोग्राम लॉन्च करती है यानी मार्केटिंग कर रही है तो पूरी की पूरी मार्केटिंग श्रृंखला का आधार होता है प्रोडक्ट प्लानिंग। हम लोगों ने मार्केटिंग के बारे में समझा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्रोडक्ट प्लानिंग से लेकर के कस्टमर के सेटिस्फैक्शन फीडबैक यानी आफ्टर सेल्स सर्विसेज तक हमारी मार्केटिंग चलती है। तो यहाँ पर पहली बात हमारे पास आती है कि मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट प्लानिंग है वो क्या है, बेस खड़ा करता है मार्केटिंग के लिए। आगे देखते हैं, बी है सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना यानी शोल्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंपनी क्या करती है, अच्छा प्रोडक्ट बना करके, अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बना करके, एथिक्स को फॉलो करके, जो भी नॉर्म्स दिए हैं गवर्नमेंट ने उसको फॉलो करके और जो भी रेगुलेशंस हैं उन सारे के सारे रेगुलेशंस को फॉलो करके कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा हो। इस तरीके से कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बना करके क्या करती है, जो भी सामाजिक उत्तरदायित्व उसको निभाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है उपक्रम की लाभ क्षमता में वृद्धि। और जो भी उपक्रम यानी फैक्ट्री है, कंपनी है, अगर कंपनी क्या करती है, अच्छा प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लाभ ज़्यादा होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइज, कंपनी की प्रॉफिट कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। अगला है उपक्रम के साधनों का सर्वोत्तम उपयोग यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। क्या करती है, कंपनी अपने रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है, ये बात आप लोग समझेंगे। अगला है प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि यानी इंक्रीज इन मैनेजरियल कैपेसिटी। और प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होती है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आती है तो यहाँ पर निश्चय ही आप लोग समझेंगे कि जो भी प्रबंधकीय कुशलता है उसमें वृद्धि हुई है। ये सारा का सारा महत्व हो जाता है प्रोडक्ट प्लानिंग का यानी इम्पोर्टेंस हो जाता है, ये बातें आपको समझ के चलनी है। अब हम बात करते हैं आगे, देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारा पांचवा है विशेषताएं क्या हो सकती है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। यानी जब कभी भी प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है ना भाई साहब, तो उसकी विशेष बातें क्या हो सकती हैं, विशेषता क्या हो सकती है, इसको समझते हैं। इसमें कुछ बातें इस तरीके से हैं, समझिए। पहला है उत्पादन करने से पूर्व जांच पड़ताल। जब कभी भी कंपनी उत्पादन करती है तो जांच पड़ताल करती है कि एनवायरनमेंट का कंडीशन क्या है, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर की जो प्राइस, कंज्यूमर की जो भी परचेजिंग पावर है वह क्या हो सकती है, तमाम तरह की बातें ध्यान में रख करके ही प्रोडक्ट प्लानिंग की जाती है। अगला है उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाली बातों का पता लगाना
और जो भी कंज्यूमर बिहेवियर है उसको प्रभावित करने वाली कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसका पता लगा कर कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट प्लानिंग करती है। और जब कभी भी कंपनी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की बातों को, कंज्यूमर का ख्याल रख करके, कंज्यूमर की संतुष्टियों का ख्याल रख करके अपना प्रोडक्ट प्लानिंग करती है, प्रोडक्ट बढ़िया बिकता है और कंज्यूमर संतुष्ट होता है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, अगला कहा गया है उत्पाद पंक्तियों यानी प्रोडक्ट लाइन में फेरबदल करने का निर्णय लेना। कंपनी क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट लाइन में फेरबदल कर सकती है अगर कंपनी प्रोडक्ट प्लानिंग बढ़िया करके चलती है तो। ये भी बात समझने योग्य है। चौथा है उत्पाद नियोजन विपणन का प्रारंभिक बिंदु होता है। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया हुआ है जब मैंने एलिमेंट बताया तो। तो क्या होता है कि जो भी उत्पाद नियोजन है वह निश्चय ही क्या होता है, हमारे पास जो भी मार्केटिंग का फर्स्ट पॉइंट होता है, मैंने आपको इसमें समझाया था, उत्पाद नियोजन के महत्व में समझाया था और इस डेफिनेशन में भी समझाया था, विलियम जे स्टैंटन का जो भी डेफिनेशन दिया गया उसमें, ठीक है। तो एक ही बात को ना बताते हुए बार बार मैं आगे चलता हूँ। अगला है अलाभकर वस्तुओं के बारे में सूचना एकत्रित करके, यानी कौन कौन सी वस्तुएं हैं कंपनी के लिए जो अलाभकर हैं, ठीक है ना। यदि भावी लाभदायकता की संभावना रहे तो उसके उत्पादन को बंद कर देना, ठीक है ना। तो ये भी बात हमें समझनी होती है कि कंपनी संभावना ना रहे, ठीक है ना, तो कंपनी क्या कर सकती है, उसके उत्पादन को बंद कर देती है। मेरे अपने साथियों, इस वीडियो में हमने समझा कि मार्केट में जब कभी भी कंपनी क्या कर सकती है, प्रोडक्ट प्लानिंग करती है यानी उत्पाद नियोजन करती है, तो उसमें कौन कौन सी बातें आती हैं, उसका मीनिंग क्या हो सकता है, उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, उसके बाद से उसका महत्व क्या हो सकता है, उसके तत्व क्या हो सकते हैं उत्पाद नियोजन के, और अंत में समझा कि विशेषताएँ क्या क्या हो सकती हैं। यदि आपके पास और कोई प्रश्न है तो उन सारे के सारे प्रश्नों को जरूर बताएँ, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.